हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा है सब अच्छे से होंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे विन का हाइब्रिड विन का और इनको सदाबहार बोलते हैं हिंदी में, उसके प्लांट्स हैं। देखिए कितने ढेरों फूल खिले हुए हैं और ये सारे एक ही कलर के निकल आए हैं। एक प्लांट मैं नर्सरी से लाई थी, उसके सीड्स गिर गिर के ये इतने सारे इसमें प्लांट्स निकल आए हैं। और ये देखिए, मैंने इसमें पॉट में लगा रखा है, मुश्किल से 6 या 7 इंच का पॉट होगा। और इसकी देखिए कितने सारे इसमें फूल हैं, मैं आपको अलग से दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मेरा एक छोटा सा पॉट है और इसमें कितने सारे फूल खिले हुए हैं। ये रेड कलर का है, इसमें भी ढेरों फूल खिले हुए हैं। और इसकी मैंने पिंचिंग कर करके इसको इतना घना बना लिया। तो इसकी वैसे तो इसके लिए बहुत ज़्यादा बड़ा पॉट नहीं चाहिए होता है, छोटे पॉट में भी हो जाता है। लेकिन अगर इसमें हम बड़े पॉट में लगाएं तो ये बहुत ज़्यादा ग्रोथ करता है, और पिंचिंग करते रहें तो ये फ्लावर भी बहुत सारे हमें देता है। तो इसके मेरे पास कई सारे कलर हैं। ये देखिए, एक तो ये रानी कलर है, डार्क पिंक, ये रेड है, ये एक थोड़ा सा पिंक है और बीच में रेड कलर है, ये एक मर्जेंटा कलर है देखिए, और ये वाला भी ये थोड़ा सा और अलग है। तो इस तरीके से ये इतने कलर हैं मेरे पास। और ये जो हमारा देसी वाला भी इनका होता है, ये है, इसका पर्पल वाला शेड भी है, वो इस समय मैंने यहाँ पर रखा हुआ नहीं है। और देखिए, छोटे पॉट में भी हो जाते हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया ये 6 इंच का पॉट है मेरा, और इसमें ये खूब अच्छे से फ्लावरिंग कर रहे हैं। देखिए ये सारे एक से ही पॉट हैं मेरे, 6-6 इंच के। और ये मैंने कुछ, मेरे पास पॉट नहीं थे, मैंने ये बोतल जो होती है हमारी कोल्ड ड्रिंक वाली, तो उसमें लगा दिए थे। तो कुछ की पिंचिंग मैंने की और कुछ की मैं नहीं कर पाई। तो जिनकी मैंने पिंचिंग नहीं करी वो उतने ज़्यादा घने नहीं हुए, और देखिए जिसकी थोड़ी बहुत भी मैंने पिंचिंग कर दी थी तो कितने ज़्यादा फूल इस पर खिले हुए हैं गुच्छों में। तो इस तरीके से हम ये, अगर हमारे पास पॉट्स की कमी है तो देखिए, मैंने ये बॉटल में लगाई हुई है, ऊपर से मैंने कट कर दिया था और इनको मैंने बॉटल में लगा दिया। तो हमारे प्लांट्स या तो पॉट में लगे हों या फिर बॉटल में लगे हों, कहीं भी लगे हों किसी भी चीज़ में, तो हमें थोड़ी सी मिट्टी उसकी अच्छी बनानी होती है, और थोड़ी सी केयर में ही वो हमें छोटे पॉट में भी ढेरों फूल देते हैं। तो पॉट मेरे जो है वो चौड़ाई तो ज़्यादा है लेकिन गहराई इसकी बॉटल से कम है, इसलिए जो है वो बॉटल में भी अच्छे से चल रहे हैं। तो हम इसकी पिंचिंग मैं आपको बताऊं, वैसे तो शायद आप लोगों को पता हो कि जब हमारा प्लांट छोटा सा होता है तब हम उसकी पिंचिंग करते हैं। पिंचिंग कैसे करते हैं, देखिए मेरे कुछ प्लांट इसमें निकल आए हैं तो मैं इन पर आपको बताती हूँ। मेरे को पता नहीं है कौन से कलर के हैं। देखिए ढेरों प्लांट्स इसमें मेरे पुदीने में ये निकल आए हैं, विनका के इधर भी हैं इधर भी हैं। अब मुझे ये पता नहीं है किस कलर के हैं, तो इसलिए मैंने इनको अभी ऐसे ही छोड़ दिया है। तो ये जो हमारे ऊपर वाली पत्तियाँ होती हैं ये, तो हम इनकी ये दो पत्तियाँ लेके इस तरीके से हटा देते हैं। ये हो गई हमारी पिंचिंग। अब यहाँ से 2 या 3 ब्रांच निकलेंगी, देखिए इस वाले की भी मैं कर देती हूँ। तो जब मुझे इनका कलर पता चलेगा, क्योंकि एक सारे कलर एक जैसे कलर के बहुत सारे मैं नहीं रख सकती, क्योंकि मेरे पास इतने पॉट्स भी नहीं है और मेरी छत पर जगह भी नहीं बची है। तो इस तरीके से हम इसकी पिंचिंग करते हैं। तो देखिए मेरा ये एक प्लांट निकला था, तो मैंने इसकी पिंचिंग कर दी थी, तो अब देखिए ये काफ़ी घना हो गया है। यहाँ से मैंने इसकी पिंचिंग की थी, अब दिखाई भी नहीं दे रहा कहाँ से की थी। तो इसमें देखिए कितनी सारी ब्रांचेस निकली हैं। अगर मैं इसकी पिंचिंग यहाँ से भी कर दूँ तो ये जो है और घना हो जाएगा, लेकिन अभी इसमें बर्ड आ रही है तो मैं पहले ये देखूँगी कि ये किस कलर का है, इस कलर के मेरे पास कितने प्लांट हैं। तो इसलिए मैंने इसको अभी और पिंचिंग नहीं करी है, लेकिन एक बार की पिंचिंग में देखिए आप कितना घना हो गया ये। और
इसकी कोई खास देखभाल नहीं है, बस बारिश में इसको जो है वो पानी से बरसात के मौसम में थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, और वैसे भी पानी का इसमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। जब इसकी मिट्टी थोड़ी सूख जाए, आपको लगे कि ऊपर से सूखी हुई है, तब आप इसमें पानी दें। देखिए मैंने सुबह पानी दिया था, अभी थोड़ी मेरी मिट्टी मॉइस्ट है, ये ऊपर से सूखी हुई लग रही है लेकिन थोड़ी थोड़ी किनारों से मॉइस्ट है ये। तो आपका विनका का प्लांट कभी भी पानी की कमी से नहीं मरेगा, अगर वो मरता है तो पानी ज़्यादा देने से मरेगा। ये देखिए ये बिल्कुल सूखी हुई मिट्टी है, मैं इस समय भी इसमें पानी नहीं दूंगी, और मैं क्योंकि नीचे से हल्की हल्की सी नमी है मिट्टी में, तो मैं इसको कल सुबह पानी दूंगी। तो इस तरीके से हम अपनी विनका की देखभाल कर सकते हैं। और अगर आपको सीड चाहिए तो विनका में ये होता है कि साथ के साथ सीड बनते जाते हैं, देखिए इस तरीके से ये फलियां होती हैं और इसमें सीड्स बन जाते हैं। तो मेरे को इसके सीड्स नहीं चाहिए, तो मैं इसको यहाँ से हटा दूंगी सीड को। ये देखिए सीड वाली फली मैंने हटा दी। आपको सीड्स चाहिए तो आप रख सकते हैं, इसके सीड्स बहुत बारीक होते हैं और जो है बड़ी आसानी से ग्रो हो जाते हैं। तो इसके सीड्स को पॉट को आप अगर तोड़ते रहेंगे तो आपको ये फ्लावरिंग ज़्यादा देगा। देखिए मैंने कितने सारे ये निकाल दिए, और क्योंकि मैं अभी मेरे गार्डन में बहुत नुकसान हो चुका है तो मैं उसी सब में लगी हुई हूँ, उसको अपने गार्डन को तैयार करने में, क्योंकि इस समय प्लांट्स भी हमारे पास कम होते हैं, वैरायटी जो होती है वो कम होती है, तो हम अपने गार्डन को उतने अच्छे से तैयार नहीं कर सकते हो। मेरा अभी गार्डन काफ़ी जो है प्लांट्स ख़राब भी हो गए थे, तो मैं इसलिए धीरे धीरे अपना गार्डन तैयार कर रही हूँ। तो मुझे इसके सीड्स नहीं चाहिए अभी फ़िलहाल, मैंने ये निकाल दिए हैं, और जो भी जिसके सीड चाहिए होंगे वो मैं रख लूँगी। तो अगर आप इसके सीड्स निकालते रहेंगे तो आपको फ्लावरिंग ज़्यादा मिलेगी। और जब इसकी मिट्टी बनाएं आप तो वेल ड्रेन मिट्टी बनाएं, क्योंकि विनका को बहुत ज़्यादा पानी पसंद नहीं है, और बरसात के दिनों में थोड़ा इसका ध्यान रखिए आप। अगर प्लास्टिक के पॉट में है तो आपको ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, और अगर आपके मिट्टी के पॉट में है तो थोड़ा कम केयर करनी पड़ेगी। तो बरसात के दिनों में चाहे तो आप इसको ऐसी जगह पर रख दीजिए जहाँ पर थोड़ा आपको पानी इसमें कम जाए, और नहीं तो फिर जैसे हम बताते हैं वीडियो में कि बरसात के दिनों में आप अपने पॉट को ऐसे करके टेढ़ा करके रख दीजिए, तो उससे भी आपका प्लांट बच जाता है, पानी उसमें ज़्यादा नहीं जाता। तो ये सब बिनका के बारे में जो है वो बात हो गई है, और समय समय पर इसको थोड़ा लिक्विड फर्टिलाइज़र देते रहिए, या गोबर की खाद आपके पॉट में जगह है तो दे दीजिए, ये मिट्टी निकाल के थोड़ी सी गोबर की खाद। इस समय तो जो है वो गर्मी बहुत है, तो मैं अपने प्लांट्स में ज़्यादातर लिक्विड फर्टिलाइज़र ही देना पसंद करती हूँ। आपको भी मैं यही कहूँगी कि जैसे आप गोबर की खाद है या वर्मी कंपोस्ट है या फिर उपले होते हैं जो कंडे गोबर के, उनकी इन उनका लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के दें, और केमिकल तो बिल्कुल भी ना दें केमिकल फर्टिलाइज़र, क्योंकि गर्मी बहुत है और हमारे प्लांट्स जो हैं वो केमिकल फर्टिलाइज़र को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आप इस तरीके की लिक्विड फर्टिलाइज़र अपने प्लांट्स को दीजिए, सब्जियों के छिलके भिगो के, फलों के छिलके भिगो के वो भी दे सकते हैं। तो इसी तरीके का मैं देती हूँ इनको। तो फ्रेंड्स मुझे लगता है कि मैंने सदाबहार के बारे में, विनका के बारे में आपको लोगों को जो कुछ भी मुझे मालूम था वो मैंने आपको बता दिया है, और अगर कोई जानकारी रह गई होगी तो किसी अगले वीडियो में शेयर करूंगी मैं। और इसके सीड्स कलेक्ट करे हैं मैंने कुछ, तो मैं आपको वो ग्रो करना भी बताऊंगी कि किस तरीके से आप ग्रो करें। कुछ मैंने ग्रो भी किए हैं लेकिन मैं उनको भी ट्रांसप्लांट नहीं कर पाई हूँ। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।